Delhi's wanted criminal Rashid was continuously committing crimes in Buland Sheher for the last one year. Kanpur police station admitted the injured criminal to the district hospital. There are 10 criminal cases registered against Rashid in Bulandshahr. Police recovered a pistol, one cartridge, one shell and a stolen bike from the possession of Rashid. Rashid Baniya was arrested in the joint action of SWAT team Dehat and Kanpur police. जनपद बुलंदशहर में अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उस क्रम में आज थाना खानपुर को एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है मुखबिर खास की सूचना पे थाना खानपुर पुलिस तथा स्वाड देहात की जो टीम थी वो सौजनाझाया गेट के पास चेकिंग कर रही थी एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा भागने का प्रयास किया गया पुलिस ने उसका पीछा किया गया द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो इस क्रम में वो गिर गया पुलिस से गिरता देख उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया आत्मरक्षात् कार्रवाई में इसके दाहिने पैर में एक गोली लगी है इस व्यक्ति की पहचान राशिद पुत्र अब्दुल्ला जो कि न्यू सीलमपुरी नई दिल्ली का रहने वाला है इसके रूप में हुई है यह दस हजार रुपए का इनामिया था इसके ऊपर दस हजार रुपये का इनाम घोषित था यह जनपद के विभिन्न थानों से दस मुकदमों में लगभग लगभग वांछित चल रहा था इसके पास से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल एक नाजायज तमंचा एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है उपचार के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई